हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम ब्रायोफाइटा के सदस्य मार्केंसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मार्केंसिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंसिया जो पॉलीमॉर्फा इसकी जो स्पीसीज है, इसमें मार्केंसिया जो है किंगडम प्लांट में आता है या प्लांट नेटिव में आता है। डिवीज़न इसका मार्केंसियोफाइटा है, क्लास मार्केंसियोपसिडा है, ऑर्डर मार्केंसियल्स और इसकी फैमिली है मार्केंसियेसी। जीनस मार्केंसिया है और इसकी अलग अलग स्पीसीज है। ऑक्यूरेंस यानी कि मार्केंसिया जो है वो तो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। तो द जीनस मार्केंसिया इंक्लूडेड अबाउट 65 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग इसकी 65 स्पीसीज है जो कि संसार के लगभग सभी देशों में पाई जाती है। इन इंडिया ओनली 11 स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड। इंडिया में इसकी 11 जो स्पीसीज है इसको रिपोर्ट किया गया है। ऑल द स्पीसीज आर टेरिस्ट्रियल, जो सभी स्पीसीज है इसकी वो होती है स्थलीय। ऑन मोस्ट सैडी स्पेलेस, और ये नमी वाले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। डैम्प सॉइल दलदली जमीन, मोइस्ट रॉक नमीयुक्त चट्टान एंड बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, और जो झरने हैं उनके आसपास ये पाए जाते हैं। कॉमन इंडियन स्पीसीज आर मार्केंसिया मॉलिफोर्मॉर्फा, मार्केंसिया पामेटा, मार्केंसिया नेपेलेंसिस, मार्केंसिया इंडिका एंड मार्केंसिया सीम लाना है। ये कुछ कॉमन स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। अब है मार्केंसिया का थैलस। मार्केंसिया का मेल और जो फीमेल प्लांट है दोनों अलग अलग होते हैं। ये मार्केंसिया का मेल और जो फीमेल थैलस है दोनों अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। जो मेल प्लांट है उसका थैलस जो लगभग लीफ के जैसा होता है, इसमें एक छतरी के जैसे स्ट्रक्चर है। इसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है डिस्क कहेंगे, और ये इसकी जो है मेल पार्ट होता है जैसे N3DO4 कहेंगे। इसका जो थैलस है ग्रीन होता है। थैलस की निचली जो सतह है उस पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमा कप भी पाए जाते हैं, और इसकी जो डोर्सल सरफेस है उस पर इसका मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है N3DO4 पाया जाता है। दूसरा जो थैलस है वो होता है फीमेल प्लांट का। इसके ऊपर भी एक प्लांट के जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें लीफ के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये भी एक डिस्क ही है। ये होता है इसका आर्चिगोनियोफोर जो कि फीमेल पार्ट है। इसमें भी वही निचली सतह पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं जो कि जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, क्योंकि रेक्सिया का पूरा जो मार्केंसिया का पूरा जो प्लांट है वो ग्रीन होता है, इसलिए पूरा प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है। गैमा कप वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो मार्केंसिया है इसमें मेल और फीमेल जो थैलस है अलग अलग होते हैं। जो मेल है उस पर N3DO4 बनेगा और फीमेल है उस पर
गोनियोपोर का निर्माण होता है। अगली जो क्लास है उसमें हम जो थैलस है इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।